क्लास तो आज डिजिटल स्टेट टॉपिक्स के हम लोगों ने इसके क्लास में लॉ पढ़ा था जो एडिशन के कंडीशन में था, सबट्रैक्शन के कंडीशन में था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन कंडीशन जो मैंने लॉ था पिछले क्लास में पढ़ा दिया। आज हम साइन करने सीखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन के केस देखते हैं। जब जब दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं।
प्लस माइनस सेवन। देखिए तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस फाइव प्लस माइनस सेवन। अभी हमने बताया था कि दो निगेटिव इंटीजर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोगों ने सिंपली इसको ऐड किया ट्वेल्व और साइन हम लोगों ने क्या किया माइनस का। तो क्या हमने बताया था कि जब दो निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो साइन माइनस का होता है और जो नेगेटिव वैल्यू होती है दोनों निगेटिव इंटीजर से उसको हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो देखिए दोनों नेगेटिव वैल्यू थी, हमने इसको प्लस किया और जो साइन था वो माइनस हो गया। तो ऐसे दो निगेटिव इंटीजर को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीजर्स में साइन कन्वेंस, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कैसे साइन कन्वेंस किया जाता है, चेंज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पहले माइनस प्लस लास्ट माइनस माइनस। देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देखते हैं, देखेंगे तो ये कह रहा है कि दो इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या करेंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या पाएंगे। तो उस कंडीशन में आप पहले माइनस और फिर प्लस दोनों पाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जब इस पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू बड़ी रहेगी और इस पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू छोटी रहेगी, कम रहेगी, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पॉजिटिव का साइन पाओगे। सेकंड कंडीशन में जब इस पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू बड़ी रहेगी और इसकी छोटी रहेगी, तो जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों इंटीजर्स को तो आप निगेटिव का साइन पाओगे। सेम प्रोसेस क्या है, यहाँ पर देखो आप क्या है, दो एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर की साइन पाएंगे। देखिए कैसे बताता हूँ, देखिए प्लस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों प्लस है, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस पाएंगे। तो ये सेम करेंगे, एक कंडीशन यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका माइनस मतलब क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन पाएंगे। देखिए माइनस एंड ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस होता है मतलब इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो प्लस होती है और साइन क्या होती है वो माइनस के बराबर होती है। और इसमें देखिए इसमें भी इसमें माइनस है, माइनस माइनस प्लस, देखिए इसमें भी दोनों कंडीशन आएगा, एक आपका माइनस का आएगा और एक आपकी प्लस का आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस। अब इस कंडीशन में दोनों कैसे आएगा, जैसे पहले भी मैंने बताया सेम, इसमें भी जब यहाँ की जो मतलब वैल्यू बड़ी होगी और यहाँ की छोटी होगी तो आपका साइन जो है वो निगेटिव के फॉर्म में आएगा। जब यहाँ की वैल्यू बड़ी होगी और यहाँ की छोटी होगी तो जो आप वैल्यू पाओगे साइन का वो पॉजिटिव पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस टेन, ये
कंडीशन में 4 पाया तो पॉजिटिव साइन है। अब देखिए इसी को और करके कर लेते हैं, जैसे देखिए ये हो गया 10 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये गया 10 माइनस प्लस, देखिए प्लस इसलिए क्योंकि मैंने बताया था 1 to 100 यानी जो भी नंबर उसके साथ प्लस के साइन ऐड होती है माइनस प्लस माइनस होती है। जब जाने की तो दोनों इंटीजर्स को मतलब सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट की बात हो रही है इस कंडीशन में, तो हम लोग क्या पाएंगे 4 जो वैल्यू पड़ी उसके साइन पुट अप कर दिए। तो देखिए देखने को ये मिला एक नेगेटिव साइन था माइनस 4 और एक पॉजिटिव मिला, तो उस कंडीशन में क्या साइन मैंने बताया था कि जब वैल्यू बड़ी होगी छोटी होगी तो नेगेटिव का साइन, पॉजिटिव कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू बड़ी रहेगी नेगेटिव छोटी रहेगी, तो उस कंडीशन में किसका पॉजिटिव का साइन। तो देखिए उस कंडीशन में पॉजिटिव कर पाया और नेगेटिव नेगेटिव कंडीशन में नेगेटिव कर पाया। अब देखते हैं सेकेंड नंबर सेकेंड पॉजिटिव कंडीशन में प्लस कर, अभी तो हम लोगों ने जाने इसके इसके बेसिस पे क्वेश्चन किया, अब इसके बेसिस पे एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक वैल्यू को ले लेते हैं, तो एक पॉजिटिव इंटीजर 15 माइनस कोई नेगेटिव इंटीजर एक ले लेते हैं, आए हैं 7 ले लेते हैं, ओके सर 7 लिया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इस कंडीशन में 15 माइनस माइनस प्लस 7 15 एंड 7 22 देखिए प्लस के साथ आया है अकॉर्डिंग टू साइन करने का फॉर्मूला, पहले प्रूव कर दिया 22 आया प्लस के साथ। इसी तरह थर्ड वाले में देखते हैं, देखिए थर्ड वाले में एक को नेगेटिव इंटीजर वैल्यू लेते हैं विद साइन, देखिए माइनस 9 माइनस एक पॉजिटिव इंटीजर को वैल्यू लेते हैं 4 ठीक। अब कह रहा है कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या करें सबट्रैक्ट करें, उस कंडीशन में देखेंगे एज यू कैन पहले से माइनस 9 माइनस प्लस माइनस 4। देखिए मैंने बताया था कि जब दो नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे जनरली सम करेंगे, जो साइन होगा वो माइनस में करेंगे, तो माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 देखिए दोनों को हमने ऐड किया, जो साइन है वो क्या किया माइनस का पुट अप किया। तो देखिए माइनस का फॉर्म भी आंसर है, ये भी हमारा प्रूफ हुआ। अब आते हैं फोर्थ लास्ट फोर्थ की कंडीशन में, चलिए देखते हैं कह रहा है विद इन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू माइनस 10 माइनस 5 मतलब दो नेगेटिव इंटीजर को हमें सबट्रैक्ट करना है, इस कंडीशन में देखिए माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 5। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा माइनस 10 प्लस 5 रिसल्ट सॉल्व करेंगे तो क्या 5 आएंगे, पर हमने बताया था कि जो नंबर बड़े होते हैं उसके साइन लगते हैं, तो 10 के साथ साइन माइनस का माइनस का लगा देंगे, तो एक माइनस की कंडीशन में है अब एक प्लस की कंडीशन में लेके लगाते हैं इसको, जैसे लेते हैं माइनस 5 माइनस बस नंबर अरेंज किया माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 10 लेकिन इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 आएंगे पॉजिटिव आएंगे सब। तो देखिए एक नेगेटिव पाए और एक पॉजिटिव पाए, जैसा कि हमारा फॉर्मूला क्या रहता है एक कंडीशन में नेगेटिव, देखिए कंडीशन क्या था कि हम मतलब पहले नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू बड़ी थी और दूसरे नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू छोटी थी,
जब दोनों को ग्रुप में सब किया तो कितनी एसिड चेंज, ये साइन आपका चेंज हुआ माइनस माइनस प्लस 5, तो इसकी वैल्यू कितनी बड़ी हुई, जब इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस 6 आता है। सेम कंडीशन यहां पे नंबर से जो माइनस 5 नेगेटिव इंटीजर माइनस 6 नेगेटिव इंटीजर, ये एसिड चेंज ब्रैकेट ओपन में जब इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस प्लस के लिए दोनों को सॉल्व किया तो ये 5 आया और साइन 10 बड़ा था तो प्लस का साइन लग गया है। तो देखिए उस कंडीशन में प्लस का पाया है माइनस का पाया है, तो ये सब प्रेशर की कंडीशन में था। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में देखिए देखिए प्लस इंटू प्लस, जब दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लोग साइन पाते हैं वो प्लस का पाते हैं। सेकंड की एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हम जो पाते हैं वो नेगेटिव में पाते हैं। थर्ड से एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी साइन को क्या नेगेटिव में पाते हैं, और जब एक नेगेटिव इंटीजर को और सेकंड नेगेटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम साइन पॉजिटिव में पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पे इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं प्रूफ कर लेते हैं। आइए तो देखते हैं पहले, पहले फर्स्ट फॉर्मूला की फर्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। एक कोई नंबर लेते हैं 4 × 3, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12, देखिए प्लस के साइड प्लस के साइन साथ पहले ही पाया फर्स्ट फॉर्मूला को, ये पॉजिटिव इंटीजर ये पॉजिटिव इंटीजर दोनों पॉजिटिव इंटीजर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस के साइन के साथ आंसर हमने पाया। सेकंड वाले फॉर्मूला पे आते हैं, माइनस 7 इंटू देखिए एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए माइनस 7 × 3, 7 × 21, यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस इस कंडीशन में भी नेगेटिव आया। थर्ड भी ऐसे प्रूव हो गया। अब लास्ट फोर देखते हैं, तो ये फॉर्मूला भी हमारा प्रूव हुआ। ठीक है, थैंक्स। सेम है बस साइन चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फॉर फॉर डिवीजन
इंटीजर को और एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हम लोग साइन प्लस में पाते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर को और एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव में साइन पाते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो बी आंसर को भी नेगेटिव में पाते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर को सेकंड नेगेटिव इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं आंसर जो है वो पॉजिटिव में पाते हैं विद साइन। कुछ एग्जांपल्स में करके इसको भी प्रूव कर लेते हैं। एज इट इज मल्टीप्लाई करने की तरह साइन था कोई चेंज नहीं। देखिए 25 डिवाइड 5 ठीक है 5 हमने पाया जैसा कि मैंने चाहता हम लोगों ने भी फॉर्मेट अकॉर्डिंग सीखा था। एक पॉजिटिव इंटीजर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो प्लस में पाते हैं देखिए प्लस है ठीक है। इसको एक कंडीशन देखिए ऐसे भी कर सकते हैं देखिए 25 पॉजिटिव इंटीजर 5 कट कर दूँ देखिए 5 पॉजिटिव इंटीजर 5 ठीक है। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन में दोनों का मतलब सेम ही है ये भी डिवाइडिंग कैंडिडेट हो जाएगा और ये भी आपको डिवाइडिंग कैंडिडेट हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखिए फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय सेकंड माइनस को नेगेटिव इंटीजर। अब कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जा रहे हैं कि जो आंसर आएगा वो माइनस के ही फॉर्म आएगा। बस कैलकुलेशन आई से करते हैं माइनस 36 डिवाइड माइनस 4 आंसर हम क्या पाएंगे 4 9 जा 36 माइनस 9 माइनस 9 हम लोगों ने पाया। और क्या फॉर्म देखिए ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर 36 ये देखिए माइनस 4 क्या है पर साइन कभी नीचे नहीं रहता है मतलब डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको माइनस के साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर भी कर लेते हैं 36 माइनस 1 इंटू माइनस 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कंडीशन में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1 इंटू बेस तो इस फॉर्म में माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 4 4 नाइन जन ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइन को चेंज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस 1 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। आइए थर्ड वाले प्रॉब्लम देखते हैं डू सेम है माइनस 36 डिवाइड 9 एज इट इज माइनस 36 डिवाइड 9 इसको देखिए सॉल्व करेंगे 9 हो जाए 36 माइनस 4 इस कंडीशन पर उस फॉर्म में देख लेते हैं माइनस 36 बाई 9 9 हो जाए 36 माइनस 4 दोनों कंडीशन में डिवाइड कर रहे हैं आंसर तो पा सकते हो दोनों प्रोसेस से कर सकते हो। थर्ड वाले में देखते हैं सॉरी हाँ लास्ट में ये थर्ड था फोर्थ वाले में देखते हैं लास्ट दोनों जगह माइनस साइन सेम रहती है उसको ऑटोमेटिकली कट भी कर देते हैं
ऑटोमेटिक नहीं जा सकते, कह ले सकते हैं कि माइनस वन से सेम प्रोसेस इसमें भी मल्टीप्लाई किए फिर साइन से कैंसिल हो गया। एक एक करके दिखा देते हैं एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन के लिए। माइनस माइनस वन इंटू माइनस 120 बाय माइनस वन इंटू माइनस 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 120 और माइनस माइनस प्लस 12। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, पहले कट कर दिया प्रोसेस, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कंडीशन दोनों में जब साइन हो तो वैसे आप डायरेक्ट भी जाने काट सकते हो। तो दोनों फॉर्म में सकते हैं आंसर में, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन था। अब इसके बेस पे हम लोग आगे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से, ठीक है। तो इससे देखिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे जब कोई इंटीजर्स नंबर के फॉर्म में हो और वो मोर टाइम दिया हो, जैसे लाइक एट है यहाँ पे, जैसे माइनस A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 AN, मतलब AN का AN एंटर किया जाए, तो उस कंडीशन में देखिए इसको हम क्या करते हैं। जब ऑड के कंडीशन में दिया हो तो देखिए क्या करते हैं, जो साइन होता है पहले उसको कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू करती है उसको, ठीक है, जैसे माइनस के साइन के साथ साथ था, माइनस के साइन में उसको कॉमन कॉमन लिया, कॉमन लेके देखिए इसको A1 इंटू A2 A3 डॉट 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 AN उस कंडीशन में किया, वे नंबर इज ऑड, जब नंबर ऑड होता। अब देखो उस कंडीशन में एग्जाम्पल के तौर पर पेश करते हैं कि जब भी हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करके इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं, जब तक तो मतलब दो इंटीजर को सॉल्व करते थे, जब दो इंटीजर थ्री इंटीजर फोर इंटीजर ऐसे ऐसे ऑन आते रहे, तो जब ऑड नंबर के केस में इंटीजर के जब साइन आएंगे, मतलब जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिखा देते आपको, ऐसे दे दिया हम माइनस 4 इंटू माइनस 3 इंटू इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 6 इंटू माइनस, तो पहले तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इसको भी काउंट में सॉल्व करने से पहले काउंट करके एक चीज हम ये सीखेंगे, पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 का ऑड नंबर, तो इससे हम ये सीखेंगे कि ऑड नंबर आया तो हमारा जो आंसर आएगा वो कंफर्म नेगेटिव साइन के साथ आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे। तो इससे सॉल्व करने में जो भी हमारा आंसर आया वो नेगेटिव के साथ आएगा, चेक कर लेते हैं 4 3 12 24 24 6 144 5 76, मतलब जो आंसर आया वो 5 76 निगेटिव के साथ आएगा। तो ये देखिए और भी कंडीशन जब आएगा तो परेशानी का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब उसके जितने मतलब इंटीजर्स दिए हुए नंबर के साथ उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 है तो माइनस के साथ आएगा। अब सेम एक और देखिए इवन की कंडीशन कि जब कोई नंबर जैसे माइनस एन इंटू माइनस ए टू माइनस ए थ्री डॉट 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 माइनस एन, मतलब माइनस एन टाइम एन टाइम तक जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं, इवेंट की कंडीशन में क्या है कोई साइन होगा कॉमन ही नहीं, इवेंट की कंडीशन में क्या होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं वो पॉजिटिव साइन ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है, जैसे एंड कब कंडीशन दिया है इवेंट नंबर हो तो इंटीजर्स को आपका इवेंट को देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर इसको देख लेते हैं। माइनस 3 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस माइनस 1 इंटू माइनस, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, जब हम लोगों ने देखा कि ये 4 है तो हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि ये इवन 4 क्या है, 0 2 4 6 8, ये आपका क्या है एक इवन नंबर है, इवन नंबर तो ये 4 इवन नंबर रहेगा, तो हम लोग ये कन्फर्म हो जाएंगे कि इसको सॉल्व करने के जो हम लोग का आंसर मिलेगा वो हमेशा प्लस साइन के साथ मिलेगा। आइए चेक कर लेते हैं 3 4 12 2 2 24, देखिए जो 24 आया क्या है प्लस के साइन के साथ आया, देखिए सॉल्व करके देख लीजिए डायरेक्टली कर लिया 4 2 12 माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 एंड 12 2 12, तो ये इवन ऑड के केस में रहेगा बस। तो इसको एक शॉर्टकट ट्रिक में बता देता हूँ कि आप जितने भी इंटीजर्स इवन हो उसको काउंट कर लो, काउंट करने के बाद जब ऑड नंबर के फॉर्म में है तो कंफर्मेशन होगी कि जो साइन होगा
उससे सॉल्व करने का जो आंसर आएगा वो साइन के साथ मतलब निगेटिव साइन के साथ आएगा। और फिर सेकेंड इवेंट कंडीशन में जब हम लोग इंटीजर से डिवाइड हो उसको काउंट करते हैं, अगर वो इवेंट की कंडीशन में आता है 0, 2, 4, 6 से तो हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि जो लोग आंसर पाएंगे उसको सॉल्व करने के बाद वो पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे। ठीक है, तो बस मेजर मेजर ही एक दोनों में डिफरेंस है, आप ऐसे इसको पहचान।